गूगल एनालिटिक्स क्या है, इसका क्या यूज है? नॉर्मल यूजर्स गूगल को सिर्फ सर्च इंजन के तौर पर जानते हैं, लेकिन गूगल सिर्फ एक सर्च रिजल्ट्स देने वाला टूल नहीं है, बल्कि आप किस वेबसाइट्स पर से आ रहे हैं, किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, उस वेबसाइट पर कितनी देर रुक रहे हैं, किस पेज पर विजिट कर रहे हैं, किस पेज को कितने परसेंट तक पढ़ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इसके बाद ये सारा डाटा रिकॉर्ड करता है। सो ये काफी लंबा वीडियो होने वाला है, बट अगर आप गूगल एनालिटिक्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम तिवारी फ्रॉम tiwari.net और इस चैनल में हम बात करते हैं मनी मार्केट और मार्केटिंग के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। तो अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। गूगल एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और मैं किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स के इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज पार्ट 1 है, अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम गूगल एनालिटिक्स को किसी वेबसाइट के साथ सेटअप करना सीखेंगे, और पार्ट 3 में हम इसके रियल वर्ल्ड यूजेस और स्पेशल फीचर्स और ट्रिक्स के बारे में बातें करेंगे। गूगल एनालिटिक्स पर जाने के लिए आपको ब्राउजर में टाइप करना होगा analytics.google.com, और अगर आप पहली बार एनालिटिक्स को यूज कर रहे हैं तो इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी आपको। साइन अप पर क्लिक कीजिए और यहां आपको अपने एनालिटिक्स अकाउंट में एक नई प्रॉपर्टी यानी कि वेबसाइट ऐड करनी होगी। ये कैसे सेटअप करना है और वेबसाइट के साथ कैसे वेरीफाई करना है, इस पर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो मैं सेटअप करके आपको सीधे मिलता हूँ एनालिटिक्स डैशबोर्ड में। तो सेटअप पूरा करने के बाद जो है आप एनालिटिक्स पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। नए अकाउंट में तुरंत ही कोई डाटा आपको नहीं दिखाई देगा, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा डाटा इक्विवेलेंट होने में। सो इसलिए अभी हम इस वीडियो के लिए अपनी दूसरी वेबसाइट के डाटा को देख रहे हैं। सो ये होम स्क्रीन है, यहाँ आपको सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पिछले 7 दिनों में वेबसाइट पर कितने यूजर्स ने विजिट किया, कितने सेशन हुए, बाउंस रेट क्या था और हर सेशन की एवरेज ड्यूरेशन क्या थी। सो यहीं पर 3 क्वेश्चन आ गए। नंबर 1, कि यूजर्स और सेशन में क्या डिफरेंस है। यूजर्स का काउंट बताता है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को पिछले 7 दिनों में देखा, और सेशन का मतलब है कि कितनी बार देखा। इसका मतलब है कि सपोज अगर आप एक वेबसाइट को दिन में 3 बार विजिट करते हैं तो यूजर 1 हुआ और सेशन हो गए 3। यही ध्यान देने वाली बात है कि सेशन का जो मैक्सिमम टाइम है वो 30 मिनट्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का मतलब है कि ऐसे विजिट्स का परसेंटेज जो आपकी वेबसाइट पर आया और बिना कोई कंटेंट देखे, कुछ पढ़े, वापस चला गया, ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है। इसके बाद है सेशन ड्यूरेशन, जो बताती है कि एक सेशन में यूजर ने कितनी देर तक आपकी वेबसाइट को देखा, उसका कंटेंट पढ़ा या वीडियो देखा। आपका टारगेट होना चाहिए कि यूजर्स, सेशंस और सेशन ड्यूरेशन जो है उसका नंबर ज्यादा हो लेकिन बाउंस रेट कम से कम हो। ये सारा डाटा 1 वीक का है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम का डाटा होम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो यहां नीचे 7 डेज की जगह आज, कल, 14 दिन, 28 दिन से लेकर साल भर तक का डाटा आप एक बार में देख सकते हैं। इसके साइड में विंडो से आप ये देख सकते हैं कि हफ्ते में किस किस दिन, किस किस टाइम पर आपकी वेबसाइट में सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं। ये डाटा 1 महीने का है। इसके साइड में अभी इस टाइम पर कितने लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं वो नंबर दिखाई देगा। फिर नीचे आपको ट्रैफिक चैनल, सोर्स और रेफरल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ट्रैफिक चैनल में डायरेक्ट, ऑर्गेनिक और पेड या अदर्स टाइप होते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक यानी कि जो लोग वेबसाइट का यूआरएल डायरेक्ट टाइप करके आपकी वेबसाइट देख रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब है कि ऐसा ट्रैफिक जो गूगल पर सर्च करने के बाद आपके पास आ रहा है। पेड का मतलब कि आपके एडवर्ड कैंपेन से जो ट्रैफिक आपको मिल रहा है वो, और अदर्स में बाकी सारे टाइप आ जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से अभी एक्विजिशन सेक्शन में बात करेंगे हम लोग। साइट में ये कंट्री का सेक्शन है जो बता रहा है कि किस कंट्री से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिल रहा है कितना। इस तरह से नीचे यहाँ सबसे ज्यादा विजिट करे जाने वाले पेजेस, एक्टिव यूजर्स और जिन डिवाइसेस से आपकी वेबसाइट को देखा जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये होम स्क्रीन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह से, लेकिन कंप्लीट पिक्चर के लिए हमें साइड बार में आना होगा। यहाँ आपको होम के नीचे 5 टैब दिखाई दे रही हैं, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन। कस्टमाइजेशन टैब भी है लेकिन उसके बारे में हम पार्ट 3 में बातें करेंगे। रियल टाइम टैब पर आते हैं और ये अब कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको, ओवरव्यू, लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट, इवेंट्स और कन्वर्जन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि रियल टाइम टैब में वेबसाइट पर अभी जो यूजर्स विजिट कर रहे हैं, जो ट्रैफिक अभी आपके पास आ रहा है, उसका सोर्स, कंटेंट और कन्वर्जन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आता है ऑडियंस टैब, इस पर क्लिक करते हैं और शुरू करते हैं ओवरव्यू टैब से। यहाँ भी 1 वीक का डाटा है। यहाँ आपको टोटल यूजर्स यानी कि विजिटर्स, नए विजिटर, टोटल सेशंस, एवरेज नंबर ऑफ सेशंस पर विजिटर, टोटल पेज व्यूज यानी कि कितने पेजेस टोटल देखे गए हैं, पेजेस पर सेशन मतलब एक सेशन में कितने पेजेस देखे गए और हर सेशन की एवरेज ड्यूरेशन और बाउंस रेट कितना हुआ, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। साइड में इस पाई चार्ट से आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के सारे विजिटर्स में से कितने नए हैं और कितने पहले विजिट कर चुके हैं।
दूसरा टैब है एक्टिव यूजर्स का, जो आपको बता रहा है कि कितने यूजर्स पिछले एक दिन में, 7 दिन में और 14 दिन में या 28 दिन में आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में सेकंड पार्ट में हम लोग बातें करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टैब है यूजर एक्सप्लोरर, जो आपको इंडिविजुअल यूजर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इस लिस्ट में जितने भी ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कोई एक इंडिविजुअल यूजर्स है जो आपकी वेबसाइट पर आया और गूगल ने उसको एक यूनिक आईडी असाइन कर दी है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसने कब, कितनी बार और किस डिवाइस से आपकी वेबसाइट को विजिट किया था। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि किस मेथड से आपको वेबसाइट के बारे में पता चला और कितनी बार जो है उसने आपकी वेबसाइट विजिट करी। इसके बाद डेमोग्राफिक्स टैब आती है, जो आपकी वेबसाइट के यूजर्स की एज और जेंडर के बारे में बताती है। इन दोनों टैब पर अलग अलग क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों ने आपकी वेबसाइट को ज्यादा विजिट किया, कितने लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया एंड सो ऑन। इसके बाद है इंटरेस्ट टैब, जो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में आपको बताती है। जैसे आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोग क्या सोच समझकर शॉपिंग करने वाले बजट शॉपर्स हैं, या ज्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं, लग्जरी आइटम खरीदने वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं या न्यूज रीडर हैं। इस टाइप से आप कई सारी कैटेगरीज हैं जो आपको आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगी। इसके बाद है जियो कैटेगरी। जियो में आप अपनी वेबसाइट के यूजर्स की लोकेशन और लैंग्वेज को देख सकते हैं। लैंग्वेज पर क्लिक करके आप यूजर्स या विजिटर्स की लैंग्वेज और लोकेशन पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि किस कंट्री से लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। आप किसी भी कंट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस स्टेट से कितना ट्रैफिक आ रहा है। इसके अलावा आप यहां कुछ और ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को देख सकते हैं, जैसे सिटी, कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट। जियो के बाद आता है बिहेवियर, जिसमें न्यू वर्सेस रिटर्निंग पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि वेबसाइट के कितने परसेंट विजिटर्स नए हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं जो पहले आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। दूसरा टैब है फ्रीक्वेंसी एंड रीसेंसी। ये टैब बताता है कि कितनी बार एक यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, और रीसेंसी बताता है कि जो ये यूजर बार बार वेबसाइट पर आ रहे हैं वो कितने दिनों के बाद वापस आ रहे हैं। खैर, बिहेवियर के बाद आता है टेक्नोलॉजी टैब का नंबर, जिसमें दो ऑप्शन है, ब्राउजर एंड ओएस और नेटवर्क। ब्राउजर एंड ओएस टैब पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स के ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन कलर्स और फ्लैश के वर्जन और जावा सपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेटवर्क टैग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप विजिटर्स के नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस नेटवर्क से वेबसाइट पर लोगों ने विजिट किया। इसके बाद आता है मोबाइल टैब, जिसमें डिवाइसेस टैब पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइप के मोबाइल फोन से आपकी वेबसाइट को विजिट किया गया। यस, आपकी वेबसाइट को कौन से पर्टिकुलर मोबाइल मॉडल से लोग विजिट कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस डिवाइस टैब। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ फीचर है, जो हो सकता है कि नए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में ना मिले, लेकिन इसके बारे में बात कर जरूर करनी होगी। क्रॉस डिवाइसेस, जैसा कि नाम से ही आइडिया लगता है, उन विजिटर्स के बारे में डाटा देता है जो आपकी वेबसाइट को कई डिवाइसेस से विजिट करते हैं। तो इसमें सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा और उनके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जंप करने के बारे में जो आपका पैटर्न होगा, उसका मैप आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है कस्टम टैब, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इसके बाद है बेंचमार्किंग टैब, जहां से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को उसी कैटेगरी की बाकी वेबसाइट से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने और इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत है। और इस ऑडियंस टैब ग्रुप में लास्ट टैब है यूजर फ्लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें आपको पता लगता है कि विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर कैसे मूव करते हैं, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं और कितने पेज या कौन कौन से पेज विजिट करने के बाद वेबसाइट से जाते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप यहां से लाइम ग्रीन मेन्यू पर क्लिक करें तो ये पूरा ड्रॉप डाउन आ जाता है। इसमें आप ट्रैफिक सोर्स, डिवाइस, कंट्री, टाइम, मेथड और राशिफल के हिसाब से भी यूजर्स का जो है बिहेवियर देख सकते हैं। मे भी राशिफल के हिसाब से नहीं होगा, बट आप मेरा मतलब समझ गए। तो इस तरह से ऑडियंस टैब खत्म हुई और अब हम आते हैं एक्विजिशन टैब में। एक्विजिशन टैब आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहां से आ रहा है। एक्विजिशन टैब से आप देख सकते हैं कि आपको किस वेबसाइट या सर्च इंजन से कितना ट्रैफिक मिल रहा है और वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई एड कैंपेन चलाया था और वो इसी जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड है, तो उससे कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को मिल रहा है वो आप गूगल एड्स में जाकर देख सकते हैं। गूगल एड्स टैब में आपको सारे कैंपेन्स, कीवर्ड्स, बिड्स, सर्च क्वेरी और दिन के खास टाइम, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन से मिले ट्रैफिक की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको
मिल सकती है। इसके बाद सर्च कंसोल है जो आपको ये दिखाता है कि गूगल सर्च से जो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिला है वो किस किस पेज पर आया और उसे कैसा बिहेवियर था उसका, कितनी देर वो वेबसाइट पर रुके, कौन सी कंट्री से आपको ट्रैफिक मिला, किस डिवाइस से आपको ट्रैफिक मिला, और सबसे बड़ी चीज़ है क्वेरीज टैब में जो आपको बताता है कि सर्च इंजन में किस सर्च टर्म को जो है वो टाइप करने पर आप उसके रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट का नाम आया, जिससे आपको अपनी वेबसाइट की पोजीशन पता लग जाती है। सर्च इंजन के बाद है सोशल टैब जो आपको दिखाता है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिला और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट के किस पेज पर आए। आप नॉर्मल ऑडियंस टैब की तरह सोशल मीडिया के ट्रैफिक के यूजर फ्लो को भी देख सकते हैं। सोशल के बाद कैंपेन टैब है जो आपके कैंपेन से मिले ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अब एक्विजिशन के बाद आता है बिहेवियर टैब ग्रुप का नंबर। ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाई देंगे कुछ कॉमन मीट्रिक्स जैसे कि पेज व्यूज, टॉप पेजेस, एवरेज पेज टाइम। अगर आप बिहेवियर फ्लो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वैसा ही फ्लो चार्ट दिखाई देगा जो आपको बताता है कि कोई भी यूजर एक पेज पर लैंड करने के बाद किस किस पेज पर विजिट कर रहा है और किस पेज को नहीं देख रहा है या कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। इसके नीचे साइट कंटेंट टैब है जो आपको बताता है कि किस पेज पर या पेज एलिमेंट से यूजर ने वेबसाइट पर एंटर किया या एग्जिट किया और किस पेज पर बाउंस रेट जो है वो कितना है। लैंडिंग पेजेस जिससे यूजर वेबसाइट पर पहली बार विजिट करते हैं और एग्जिट पेजेस जिनसे यूजर वेबसाइट से बाहर जाते हैं, उनको आप इस टैब से देख सकते हैं। इसके बाद साइट स्पीड टैब है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के पेजेस की स्पीड देख सकते हैं और उसे वेबसाइट के अलग अलग मीट्रिक से कंपेयर भी कर सकते हैं। साइट स्पीड के बाद है साइट सर्च। अगर आपकी वेबसाइट में सर्च बॉक्स है या सर्च फैसिलिटी है जिससे यूजर किसी चीज के बारे में आपकी वेबसाइट के अंदर ही जो है वो सर्च कर सकते हैं तो उसका डाटा आपको यहाँ इस सेक्शन में दिखाई देगा। साइट सर्च का कितना यूज हुआ, किस टर्म को यूज करके विजिटर्स ने सर्च किया और किस पेज को ज्यादा देखा, ये सारा डाटा आपको साइट सर्च से ही मिल जाता है। साइट सर्च के बाद एक और इंटरेस्टिंग टैब है इवेंट्स। नाउ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गूगल अपने टूल्स और ऑप्शन के जो नाम है वो बहुत मासूमियत से रखता है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इवेंट्स टैब बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट के पेज के अंदर जो कंटेंट है उससे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पेज पर कोई वीडियो या ऑडियो है तो उसको प्ले कर रहे हैं या नहीं प्ले कर रहे हैं, कोई टेबल या कोई टैब या कोई बटन है तो उसको कितना क्लिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या अगर वो किसी पेज को पढ़ रहे हैं तो उसको कितने परसेंट स्क्रॉल करके पढ़ रहे हैं। जी हाँ, गूगल एनालिटिक्स आपको ये भी बताता है कि किसी खास पेज पर विजिटर्स उसको कितना स्क्रॉल करके पढ़ रहे हैं। और इसमें टॉप इवेंट्स, पेजेस के इवेंट्स के साथ साथ इवेंट्स का फ्लो चार्ट भी मिलता है। मतलब आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो किस कंटेंट के बाद किस कंटेंट को क्लिक कर रहे हैं। सपोज आपके पास वेबसाइट में 4 या 5 बटन है तो आप देख सकते हैं कि वो यूजर एक बटन से दूसरे बटन में कैसे मूव हो रहा है। इवेंट्स के बाद है पब्लिशर टैब जो एडसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शो करता है, लेकिन वो अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर की चीज है, एडसेंस पर हम कभी और किसी वीडियो में बातें करेंगे। पब्लिशर के बाद है एक्सपेरिमेंट टैब जो गूगल ऑप्टिमाइज नाम के एक अलग टूल को दिखाता है। गूगल ऑप्टिमाइज काफी अलग अलग टाइप के कंटेंट और यूजर एक्सपीरियंस को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो में बातें करेंगे। सो ऑडियंस एक्विजिशन और बिहेवियर के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। इसके बाद जो ये लास्ट टैब ग्रुप है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन टैब अलग अलग टाइप के गोल को सेटअप करने और उन्हें ट्रैक करने के बारे में है और इस पर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। इसके अलावा हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स और यूजर्स की बात करेंगे। इसके साथ ही हम रियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी वेबसाइट को और बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में डिटेल से आगे आने वाले 2 पार्ट्स में बातें करेंगे। मैं आपको 10 अलग अलग रियल वर्ल्ड केसेस के थ्रू समझाऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स से उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है उन प्रॉब्लम्स को। सो वेट फॉर द अदर वीडियो। और अदर वीडियो के से याद आया कि आपने इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे टिंडर के अलावा हर वीडियो प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अमित तिवारी फॉर mittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।